हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की फुल एपिसोड रिव्यू लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपके सामने बहुत सारी बात करने वाली हूँ। गाइस, पूरी वीडियो देखिएगा, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करिएगा और बताइएगा कि कहाँ पे अच्छा हुआ, कहाँ पे गलत हुआ, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल के एपिसोड में आपको क्या लगा। गाइस, मैं आपको सबसे पहले स्टंट की बात करूँ तो कल के एपिसोड में टोटल 7 स्टंट हुए हैं। पहला बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस निकल रहा है मेरे मुंह से, खतरों के खिलाड़ी का पहला ऐसा सीजन देखा गया जिसमें हर कंटेस्टेंट को एक पेयर में स्टंट कराया गया और टोटल 7 स्टंट हुए। पहला स्टंट हुआ श्रीति और रुबीना के बीच में जिसमें रुबीना जीती। सेकंड स्टंट प्रतीक एंड तुषार के बीच में हुआ जहाँ पे प्रतीक विनर हुए और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि तुषार जीत गए हैं, पर अचानक से गेम पलट गया और प्रतीक के पास चला गया। उसके लिए आप एपिसोड जरूर देखिएगा। उसके बाद थर्ड स्टैंड शिवांगी और मोहित के बीच में हुआ। ऐसा लगता है कि मोहित बहुत ही फिट और लंबे चौड़े और कहाँ शिवांगी जोशी बहुत प्यारी सी क्यूट सी बच्ची, क्या उसके सामने ये स्टंट जीत पाएगी, पर कमाल हो गया, शिवांगी जोशी ने ये स्टंट जीत लिया। उसके बाद फैजू और जन्नत के बीच में स्टंट हुई और जन्नत ये स्टंट हार के फैजू जीत गए। उसके बाद कनिका और नेरी के बीच में स्टंट हुआ, 5वां स्टंट, और यहाँ पे कनिका ये स्टंट जीत गई। और राजीव अदातिया और चेतना के बीच में 6ठा स्टंट हुआ एंड राजीव अदातिया वो स्टंट जीत गए। एंड उसके बाद जो लास्ट स्टंट था बहुत अच्छा स्टंट था एरिका और निशांत के बीच में, और ये स्टंट जीत हासिल हुई ही निशांत को। तो गाइस, जो 7 फियर फंदा है जो मिले हुए हैं वो रूबी जो सृष्टि को मिले हैं, तुषार को मिला है, मोहित को मिले हैं, जन्नत को मिले, अनीरी को मिली है, चेतना को मिली है एंड एरिका को मिली है। कल किसका एविक्शन होगा? कल एविक्शन होगा किसी दो कंटेस्टेंट के बीच में एविक्शन होगा। तो गाइज, आज के एपिसोड का कुछ ऐसा रिव्यू है, कुछ आप कहना चाहोगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फुल एपिसोड अगर आपको चाहिए होगा, आप टीवी पे नहीं देखते और पाते हो कुछ रीजन की वजह से, तो आप मेरा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे मैं एपिसोड डाउनलोड करके अपलोड करती हूँ। गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हर प्रोमो के लिए, हर अपडेट के लिए। मिलती हूँ नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ। आशा करती हूँ कि इस साल भी आप मुझे उतना ही प्यार देंगे जितना हर साल देते हुए आएंगे। लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल।